देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। जनपद इटावा में पुलवामा में हुए शहीदों के समर्थन में वो पाकिस्तान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव महेश दुबे की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इटावा के शास्त्री चौराहा रोड पर बैठकर पाकिस्तान का कड़ा विरोध किया। आतंकवाद की जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान है, अपने देश को बचाने के लिए वो सब कर रहे हैं। भारत ने पहले ही कहा था कि यदि आंख दिखाओगे तो आंख निकालने का काम होगा। मैं किसी को आंख दिखाता नहीं हूं, लेकिन आंख बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूल करी है, बहुत बड़ी गलती करी है। ये प्रधानमंत्री ने कहा भी है, हमारे इसका मुंह तोड़ जवाब देकर इसका पूरा बदला लिया जाए। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार आपकी पार्टी वर्तमान सत्ता में है और आप लोग जिस प्रकार यहाँ चौराहे पर बैठे हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन ये शहीदों को श्रद्धांजलि एवं आतंकवाद के विरुद्ध संकल्प के लिए हम लोग बैठे हैं और ये सार्वजनिक स्थान है। किसी भी एक सभी लोगों का आह्वान किया गया है, जो भी देशभक्त और भारत के नागरिक हैं उनके सभी सहयोग की अपेक्षा है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी तरीके से सरकार के हम लोग साथ हैं, यही संदेश देने का प्रयास किया है। क्या लगता है कि सरकार को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? वो तो निर्णय ले लिया गया है और वो दिया भी जाएगा, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री ने पहली बार मात्र 2 घंटे के अंदर सेनाओं को पूरी तरह छूट दे दी गई है कि आप अपना बदला लेने का स्वरूप, स्थान और समय तय करें और उसी तरह से बदला लें। आज जिस प्रकार आप लोग यहाँ बैठे हुए, आगे की रणनीति क्या है आपकी? जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाएगा, आतंकवाद से लड़ने की पूरी भारत के नागरिकों ने 130 करोड़ जनता ने जो संकल्प लिया है, उसी को हम लोग यहाँ प्रदर्शित करने के लिए और संदेश देने के लिए बैठे हुए एवं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारेबाजी भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शिव महेश दुबे ने बताया कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धरना प्रदर्शन के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार पुलवामा में हमारे शहीदों की निर्मम हत्या की है, उसका बदला पूरे देश की जनता लेना चाहती है। वहीं धरना प्रदर्शन में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता एवं पूर्व जसवंत नगर विधानसभा प्रत्याशी मनीष यादव उर्फ पतरे ने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें विकास नहीं चाहिए, लेकिन हमारे शहीद जवानों के बदले पाकिस्तान से बदला चाहिए। इटावा से संवाददाता अनिल गोस्वामी की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।